हैं इसके लिए माजरत। कोई बात नहीं सर, आपके आने के क्या कहेंगे आदिल चांद वाले से, किसको क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? तवसत से मैं उनको ईद मुबारक कहता हूँ। और चांद रात एक स्पेशल इवेंट हो जाता है, ईद से पहले ईद हो जाती है लोगों की, तो ये खुशी का समा होता है। जिस तरह सारी उगी में लोग खुशी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपना सब कुछ यहाँ पे जिस तरह माहौल बना हुआ है, तो यही कुछ है इंशाल्लाह चांद रात की स्पेशलिटी है। अच्छा, आपने बच्चों की खरीदारी वगैरह कंप्लीट कर ली? क्योंकि आपका काम, आपकी प्रोफेशन आपका ऐसा है कि इन आखिरी रातों में तो आप ज्यादा मसरूफ रहते हैं, तो बच्चों की खरीदारी वगैरह आपने कंप्लीट कर ली? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए तो महीना पहले करनी पड़ेगी, तो तब भी बेहतर होगा। खुशकिस्मती से भाई हैं, वो सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं, मुझे काम के लिए बस फ्री रहता हूँ, इंशाल्लाह सारा कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहेंगे ये बच्चों के लिए खरीदारी जब करते हैं स्पेशली, तो कभी अपना बचपना भी याद आता है? बहुत याद आता है जी, इसमें कोई शक नहीं है। और ईद होती ही बच्चों की है, और जो तरह तरह की नई चीजें आती हैं, कपड़े आते हैं, ग्लासेस आती हैं और घड़ियां आती हैं, तो ये खुशी जो होती है वो ईद से बढ़ के होती है, बहुत खुशी होती है। अच्छा आदिल, वो जो जमाना था उसमें चूंकि गरीबी भी ज्यादा थी, पैसा भी इतना नहीं था, बड़ी सादगी सी ईद होती थी, वो ज्यादा अच्छी थी या आजकल की फैंसी ईद ज्यादा अच्छी लगती है? नहीं, वो ईद तो डेफिनेटली अच्छी थी। हम ये कह सकते हैं कि हमारे टाइम पे थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा अच्छी थी। अब के बच्चों को आज की ईद अच्छी लगेगी, लेकिन हुआ ये है कि उसमें ये था कि मेलजोल ज्यादा थी, मोबाइल सोशल मीडिया थोड़े कम थे, आपस का कनेक्शन, आपस की रवादारी, आपस का मेल जोल बहुत ज्यादा था। आजकल थोड़ा सा वो कम हो गया, दुनिया अपने अपने माहौल में समेट गई है, तो इसलिए मैं उसे बेहतर कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया आतिक जान साहब। यहाँ एक भाई बैठे हैं जी, इनसे भी बात बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुदस्सिर। कहाँ के रहने वाले? मैं हाकिशाबाद अड़ा का रहने वाला। तो आप प्रोफेशनल हैं, काम वगैरह करते हैं या स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, बीएस इंग्लिश। बीएस इंग्लिश कहाँ से कर रहे हैं? डिग्री कॉलेज झुग्गी से। डिग्री कॉलेज झुग्गी से। क्या कहेंगे, आपकी खरीदारी वगैरह कंप्लीट हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छी है, कंप्लीट हो गई खरीदारी, कंप्लीट हो गई। तो आपकी खरीदारी में ज्यादा हाथ किसका है, किसको थैंक्स बोलना चाहेंगे? मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलना चाहूंगा। क्या विशेज हैं आज स्पेशल चांद रात के हवाले से, किसको क्या विश करना चाहेंगे? बस एक विश है मेरी सर, और मैं वो विश यही करना चाहता, अपने दिल में ही विश करना चाहता हूँ, किसी को बताना नहीं चाहता विश के बारे में। अच्छा चलें, जो परदेश में हमारे लोग यहाँ के फॉरेन कंट्रीज में हों या आउट ऑफ सिटी हों, क्योंकि वो लोग यहाँ देखें, हम तो यहाँ चांद रात मना रहे हैं, ईद मनाएंगे अपनों में बैठ के, बड़ा अच्छा भी लगता है इंसान को। तो जो मजदूरियां कर रहे हैं, जाहिर सी बात अपने खानदानों के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, चाहे वो बाहर के ममालिक में हों चाहे उगी से बाहर हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं स्पेशली मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद बाहर रहते हैं, तो मैं ये उनके उनका बहुत मशकूर हूँ कि वो बाहर हैं और घर वालों से दूर ईद मनाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल टाइम होता है ये वाला, क्योंकि उनके जो घर वाले होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि
हमारे जो बाहर हैं वो जस्ट आ जाए और हमारे साथ ईद गुजारने लगे, जस्ट यही सोचते हैं। तो हम भी यही सोचते हैं कि वो भाई हमारे जो हैं बहुत मेहनत करते हैं बाहर और अल्लाह उन्हें कामयाब करें उनके मकसद में, बस यही चाहता हूँ। थैंक यू सो मच जी। सरबलन साहब भागिएगा नहीं, क्या कहेंगे आज चांद रात है, स्पेशल स्पेशल पैगाम क्या देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं दो चार चैनल्स पर अभी था, माशाल्लाह आपको मैंने खुद फोन किया था और कल रात भी आप हमारे साथ ही थे वो रोजे वाले इशू में। तो पैगाम यही है, सबसे पहले मैं तमाम अहले इस्लाम को, पाकिस्तानियों को, अहले इलाका को, भाइयों को, दोस्तों को, ओवरसीज जो हमारे मुल्क से बाहर है सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जिनकी ईद आज गुजर चुकी है उनको भी मुबारक हो, जिनकी कल है उनको भी मुबारक हो। और दुआ गो है कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और हमें एक दूसरे से मोहब्बत या गानगत और भाईचारे का जो है हमें अल्लाह ताला तौफीक फरमाए कि हम इस तरह एक दूसरे के साथ रहें और इसी तरह जिस तरह आज आवाम खुश हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं और होती रहे। और मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा क्या कहेंगे, आपका मिशन सक्सेसफुल हो गया? क्योंकि इन दिनों में मैंने देखा आप बहुत ज्यादा मसरूफ रहे हैं, स्पेशली सिक्योरिटी के हवाले से और बाकी हवालों से आपकी दौड़म भाग काफी ज्यादा होती है, तो आप ये समझते हैं कि आपका मिशन सक्सेसफुल हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी इस दफा ट्रैफिक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा, उगी थाना की पुलिस ने, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, अभी हम साथ खड़े थे चौक में, अभी भी डीएसपी साहब मेरे ख्याल में बाजार में ही है, एसएचओ साहब भी इधर ही है, सारी नफरी गश्त पर है, अमन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब कुत्ते भाग गए थे इस दफा, कोई ऐसा खास जिस तरह होता रहता है नहीं हुआ। लेडीज मार्केट में आपने देखा गश्त थी पूरे रमजान में, लेडीज कांस्टेबल्स के साथ हमारे जो है कांस्टेबल हजरात भी थे, एसआई साहिबान थे, सब ने बड़ी जान पहचानी के साथ ड्यूटी की है। और उसका असर यह है कि इस दफा आवाम भी खुश है, ताजर बरादरी भी मुतमईन थी। मैं खुद चूंकि सारा दिन ताजरों के दरमियान होता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इस दफा इस मामले में सेटिस्फाई थे। और एक खुशखबरी ये थी हमारे लिए कि 3 सालों बाद इस दफा 6 बजे दुकानें बंद करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर, वो वाला सबक नहीं था। तो हम फ्री होकर सारा जिसकी मर्जी जिस वक्त आए जिस वक्त जाए, जुमे को खोले, हफ्ते को खोले, तो उस वजह से भी ताजर बरादरी बहुत खुश थी। अच्छा बच्चों की खरीदारी वगैरह ईद की जो है वो आपने कम्प्लीट कर ली? बिल्कुल जी, सबकी हुई है, बस जो अपनी इस्तेताद के मुताबिक, तो दुआ करते हैं कि सबकी तैयारी भी हो जाए और सबको अल्लाह ताला तैयारी की तौफीक भी दे। और साथ ये है कि ये ऐसी ईद होती है कि एक तो सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि 30 रोजों के बाद बंदा फिर जब रोजे खत्म होते हैं तो लोग नई जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, वो खुशी भी होती है, ईद की खुशी भी होती है। तो अपने ख्याल करना चाहिए, हमारी तो तैयारियां हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि मुझे आप सबको अल्लाह तौफीक दे कि अपने आसपास जो गरीब लोग हैं उनका हम ख्याल करें। सुबह देखें अगर कोई घर रह गया खुशी से तो कोशिश करें अपनी खुशी कुर्बान करें, दूसरे को दे दें, मैं इसी को जिंदगी कहता हूँ। अच्छा क्या कहेंगे बच्चों की खरीदारी करते करते, कभी अपने बचपन की ईद और कोई स्पेशल ऐसी बात याद आ गई हो जो आप हमसे हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें? बच्ची हमारा बचपन दौर था, आजकल तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, हमारा जो था वो बड़ा गोल्डन पीरियड हुआ करता था ईद पर। और ये इस तरह नहीं था बाजार में रात को, लेकिन ये कि रात को गांव की जो खुशियां थी वो गांव में हुआ करती थी। आजकल सारे बाजार का रुख करते हैं, थोड़ा ट्रेंड चेंज हो चुका है, मोटरसाइकिल आ गए, मोबाइल आ गए, थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। फेसबुक पर मुबारकबाद एक दूसरे को दे दी, उस वक्त फेसबुक की मुबारकबादें नहीं थी, अंदर से दिल से मुबारकबादें देते थे, गले मिलते थे। और वो कहते हैं ना अक्सर आपकी पोस्टर लगाते हैं, कच्चे मकान थे लेकिन पक्के इरादे थे और पक्की मोहब्बतें थी। अब मकान तो पक्के हो गए लेकिन मोहब्बतें और खलूस उस तरह के नहीं रहे। दुआ करते हैं कि वही हो, तो वो याद आता है बचपन का जमाना, तो बहुत अच्छा वो 90 वाला पीरियड जो उसको अक्सर लोग याद करते हैं, हम भी याद करते हैं। तो चले अब गुजरा कल है लेकिन अल्लाह ताला आने वाला कल भी बेहतर करे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। अतीक साहब आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। ऐसे चो साहब पे मेरी नजर पड़ी, हाफिज साहब अगर आप यहाँ आए उसी बात करेंगे। नहीं, हम सिक्योरिटी के हवाले इनफॉर्मल सी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अतीक साहब, खैरियत ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आज न्यूज को टाइम देने के लिए। माशाल्लाह आपकी आंखों में अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत लाली है, क्योंकि 2-3-4 दिन से आपकी मसरूफियत और क्या कहेंगे सर, कौन सा जज्बा है जो आगे लेके बढ़ रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम आवाम की तहफ़ की कसम उठाई हुई है तो इसलिए हमने इंशाल्लाह उस हलफ को हम पूरा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा आपके सामने है, हमारा अंजुमन ताजरान के साथ बाकायदा मीटिंग होकर हमने इस बाजार में मुकम्मल तौर पर गश्त और लेडीज बाजार में लेडीज की गश्त हमने की है। और इसी तरह हमने ट्रैफिक वाले बड़े अलर्ट, आप सारा दिन देखते रहे हैं धूप में गर्मी में हमारी ट्रैफिक ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरह हमने जगह जगह पे नकाबंदियां पॉइंट की है
तो आपके सामने होगी। मैं कोई ऐसा बाजार में या किसी किस्म का ना कोई कारवाकया नहीं हुआ, ना ही कोई चोरी चकारी हुई है, किसी किस्म बड़ा पुरमन माहौल है जिसका नतीजा आप देख रहे हैं आज। सर ये बहुत अच्छी बात है और बड़ा मैं इंस्पायर हूँ आपकी टीम से। तो क्या कहेंगे सर, चूंकि ईद होती है और बच्चों के लिए, अपनी ईद तो हमारी जैसे है लेकिन बच्चों के लिए ईदी की खरीदारी, ईद की बाकी चीजें, तो आप तो यहाँ ड्यूटी में मसरूफ रहे हैं और पिछले 8-10 दिनों से हम देख रहे हैं एक वाकया दूसरा वाकया और मसरूफ ही रहे हैं, तो बच्चों की ईद का क्या बना, ली नहीं ली, किसकी ड्यूटी लगाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी वक्त गुजर रहा है, बड़ा अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि हम अगर इधर दूसरों के बच्चों को हम तहफ़ दे रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को भी तहफ़ और खुशियां मिल रही हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी एक खुशाइन बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छा बहुत बेहतरीन हमारे ड्यूटी करके बड़ी खुशी नसीब होती है, तो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। सर ईदी मनाते मनाते आपको अपने बचपन की ईदी तो याद आती होगी? जरूर याद तो आती है इंसान, लेकिन हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की चूंकि 24 आवर के हम मुलाजम हैं तो इस वजह से कई ख्वाहिशात हमारी होती हैं लेकिन वो उनको ख़त्म करना पड़ता है। क्योंकि हमारी से सवाल पूछूंगा कि आप बाई चांस फोर्स आपने ज्वाइन किया या बाई चॉइस किए? फोर्स ये मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में आना मैं अपनी मेरी ख्वाहिश भी थी और मुझे यूनिफॉर्म से बड़ा लगाव भी था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मुझे इस यूनिफॉर्म में इज्जत मिली है वो इसका मैं कभी सोच भी नहीं सकता। माशाल्लाह सर एक आखिरी क्वेश्चन आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, वो ये कि देखें कुछ दिन पहले ही वो इंसिडेंट हुआ बेला पीर भट वाला, माशाल्लाह आप लोगों को मैंने देखा बड़ी जाफ़शानी से आप लगे रहे, चूंकि हम एक साथ ही थे मीडिया का और आपका चोली दामन का साथ है, आप और आपकी पूरी टीम DSP साहब बाकी सारे हजरात, और फिर उसके बाद आज जो वो पानी के तनाजे पे बांडी शुंगली में हो गया, इसी तरह और जो इंसिडेंट है, तो ये सारी चीजें साथ में बाजार को भी देखना और ये सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेते हैं, कौन सा जज्बा है, क्या कहेंगे? बस मैंने आपको बताया ना कि पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम टीम वर्क की शक्ल में हम काम करते हैं, उसमें हम अपने आराम को इस चीज की परवाह नहीं करते हैं। तो जाहिर है जब हमने अपने ड्यूटी को सही असन तरीके से करना है तो फिर उसमें आराम सुकून ख़त्म करना पड़ता है, तो उसका नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह आप आवाम दे रहे हैं इस वक्त उगी की आवाम, हर शख्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरे थाना की पुलिस से ट्रैफिक से अनत्याई खुश हैं और सराह रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि अनजमन ताजरान सरबुलंद खान या दीगर ताजर बरदरी जितने भी आई आवाम ने बड़ा खुशी का इजहार किया है कि हमारा इस्तीफा बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा, कोई ऐसा ना कोई गर्व वाक्य नहीं।